स्वाति मालीवाल प्रकरण में अब उनके पूर्व पति जय हिंद की भी एंट्री हो गई। जय हिंद से स्वाति की दोस्ती कैसे बढ़ी, कैसे दोनों करीब आए और कैसे दोनों ने शादी की और शादी करने के बाद फिर दोनों के रास्ते कैसे अलग हो गए, इसके बारे में जानते हैं। देख रहे हैं जब से स्वाति का प्रकरण हुआ है तब से एक न एक नई कहानी जुड़ती जा रही है और ये समझ में भी आ रहा है कि स्वाति की जो जिंदगी रही है, स्वाति का जो जीवन रहा है वो काफी उथल पुथल वाला रहा है, काफी संघर्ष वाला रहा, काफी मुश्किल वाला रहा है। तो आइए जानते हैं जय हिंद के बारे में कि जय हिंद कौन है और जय हिंद ने कहा भी क्या है स्वाति के बारे में, उसके बारे में भी जान लेते हैं। जय हिंद ने अभी स्वाति के साथ जब मारपीट हुई, विभव कुमार भले ही जेल में चले गए हों लेकिन जय हिंद ने स्वाति के बारे में जो बात कही वो चौंकाने वाली थी। जय हिंद ने कहा कि स्वाति मालीवाल यानी उनकी पूर्व पत्नी वो बहुत बहादुर हैं, वो बहुत साहसी हैं और उनके साथ मारपीट कैसे हो गई वो भी आश्चर्य में है। जय हिंद ने कहा कि स्वाति संघर्ष करना जानती हैं, एक शेरनी की तरह हैं, वो जवाब देना जानती हैं, लेकिन उनके साथ जो मारपीट हुई उसको जानकर उनको सुनकर उन्हें भी आश्चर्य हो रहा है और इसीलिए उन्होंने कहा भी है कि हो सकता है कि स्वाति की जान को खतरा हो, स्वाति ऐसा ना हो कि कहीं खतरे में हो। और जब बता रहे थे कि किस तरह से स्वाति सामने नहीं आ रही हैं, किस तरह से पब्लिक के बीच में नहीं आ रही हैं, पुलिस से अपनी शिकायतें नहीं दर्ज करा रही हैं, तो उस बारे में भी जय हिंद का ये कहना था कि हो सकता है कि स्वाति ज़्यादा डरी सहमी हो और उनको धमकी दी जा रही हो। बहरहाल ये तो कहानी हो गई स्वाति और की, जो स्वाति के पति ने स्वाति के बारे में कही, जो पूर्व पति जय हिंद ने। अब स्वाति और स्वाति के पूर्व पति की मुलाकात कैसे हो गई, जब अन्ना आंदोलन चल रहा था, अन्ना आंदोलन के समय ही जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन का भी आंदोलन चला, उस इंडिया अगेंस्ट करप्शन के आंदोलन के समय ही स्वाति और जय हिंद की मुलाकात होती है, दोनों में बातचीत होती है, दोनों में बातचीत के सिलसिले के बाद एक दूसरे को जानते हैं। क्योंकि मकसद था स्वाति मालीवाल का भी संघर्ष करना, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ना, आंदोलन में कूद पड़ना, तो उसी तरह का जीवन जो है कुछ जय हिंद का भी था। जय हिंद भी चाहते थे देश से भ्रष्टाचार मिटे, देश से भ्रष्टाचार समाप्त हो, इसीलिए वो भी इंडिया अगेंस्ट करप्शन के साथ आ गए थे। दोनों की इसी बीच में जब संघर्ष करते थे, दोनों कैंपेन पे जाते थे, दोनों आंदोलन में जाया करते थे या कुछ भी अगर काम करते थे तो साथ साथ दोनों काम किया करते थे और इसके साथ ही दोनों में बातचीत हुई, एक दूसरे को दोनों ने समझा, स्वाति मालीवाल ने और जय हिंद ने। दोनों जब एक दूसरे की बात को समझे तो समझने के बाद दोनों को ये लगा कि हमारे रास्ते एक ही हैं। स्वाति भी चूंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन कर रही थी और वहीं पर जय हिंद भी वही आंदोलन कर रहे थे, तो जय हिंद को भी लगा कि क्यों ना हम दो साथ में आ जाएं। फिर स्वाति से बातचीत की, स्वाति ने भी उनकी बात को माना और बात को मानने के बाद दोनों ने 2012 में शादी कर ली, यानी एक दूसरे के हो गए। जिंदगी ऐसे आगे बढ़ती रही, निकलती रही, स्वाति की जिंदगी में जैसे मैंने बताया कुछ उथल पुथल रहे हैं लेकिन दोनों तालमेल करते हुए आगे बढ़ते रहे, 7-8 साल तक दोनों आगे बढ़ते रहे और फिर उसके बाद धीरे धीरे जिंदगी में एक नया मोड़ स्वाति के जिंदगी में आया। जैसे बचपन से लेकर और बड़े होते होते स्वाति में तमाम जीवन के मोड़ आते रहे, उसी तरह से स्वाति की जिंदगी में एक बार फिर मोड़ आया और स्वाति और जय हिंद के रिश्ते में खटास आई और फिर दोनों ने ये तय कर लिया कि अब हम अलग अलग रहेंगे, अब हम एक साथ नहीं रह सकते। कुछ भी हुआ होगा, मनमुटाव हुआ होगा या कुछ ऐसे मामले हुए होंगे जिससे लग रहा था दोनों एक साथ नहीं रह सकते, तो इसलिए स्वाति ने और जय हिंद ने कहा कि अपनी अपनी लाइफ हम जीते हैं, आप अलग जाते हैं, आप अलग जाइए और मैं भी अलग जाती हूँ। और उसके बाद दोनों ने तय किया कि हम तलाक लेंगे और फिर जिंदगी की डोर टूटती है, स्वाति अलग होती हैं, जय हिंद अलग होते हैं, बमुश्किल इनके जो रिश्ते हैं वो 7-8 साल ही चल पाते हैं। फिर उसके बाद स्वाति आम आदमी पार्टी में एकदम पूरी तरह से सक्रिय हो जाती हैं, फिर उन्हें तमाम जैसे जिम्मेदारियां मिलती रहीं, वर्तमान में राज्यसभा सांसद है ही हैं, लेकिन स्वाति के जो पति हैं जय हिंद वो आम आदमी पार्टी से दूर होते चले गए। उन्हें जिम्मेदारियां भी मिली थी, आम आदमी पार्टी में प्रमुख जिम्मेदारियां उन्हें दी भी गई थी, लेकिन
मन उनका खट्टा होता गया, मन में खटास आती गई। उन्हें लगा कि आम आदमी पार्टी अब वो नहीं है। जिन विचारधारा को लेकर आम आदमी पार्टी बढ़ी थी, जो बात संजय सिंह ने, जो बात अरविंद केजरीवाल ने कही थी, वो सारी बातें हो सकता है जय हिंद को लग रही हो कि वो सही साबित नहीं हो रही हैं। तो इसलिए जय हिंद का मन जो है भर गया आम आदमी पार्टी से। फिर उन्होंने रिश्ता भी तोड़ लिया था और रिश्ता तोड़ने के बाद फिर वो अलग हो गए, उनकी जिंदगी अलग एक तरह से व्यतीत हो रही है जय हिंद की। जब स्वाति के साथ मारपीट हुई, जब स्वाति के बारे में जानकारी हुई और सोशल मीडिया में एकदम ये मामला, ये प्रकरण एकदम से हाईलाइट हुआ, तब जय हिंद सामने आए और उन्होंने कहा कि मैं मेरी पूर्व पत्नी के बारे में अच्छी तरह से जानता हूँ, स्वाति किस ख्याल की है, किस विचार की है। और उन्होंने कहा जय हिंद ने कि मेरी पूर्व पत्नी स्वाति बहुत बहादुर है, शेरनी है और वो डर नहीं सकती, भय में आ नहीं सकती, लेकिन हो सकता है कि बहुत बड़ा मामला है, हो सकता है कि उसे डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। जय हिंद का कहना है कि उनकी पूर्व पत्नी स्वाति वो बहुत बहादुर हैं, शेरनी हैं और वो संघर्ष करना जानती हैं, लेकिन उन्हें डर लग रहा है कि आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं, जिस तरह से उन्हें उनके साथ मारपीट कराई स्वाति मालीवाल के साथ, तो हो सकता है वो लोग खतरनाक हों, इसलिए स्वाति को खतरा है, डर है, भय है, उन्हें सुरक्षा मिलनी चाहिए और पूरे प्रकरण में पुलिस की मदद स्वाति को लेना चाहिए। हालांकि स्वाति को पुलिस पूरी तरह से मदद कर रही है। विभव कुमार जिसने मारपीट की थी, जो अरविंद केजरीवाल के एकदम करीबी है, निजी उनका सलाहकार सचिव है, उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन देखने में फिर आ रहा है कि स्वाति की जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, बहुत सारे मोड़ आए। स्वाति हर बार कोशिश करती हैं उस मोड़ से आगे बढ़ने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं देखने में आ रहा है कि कोई ना कोई एक रुकावट आ जाती है, एक परेशानी आ जाती है, एक मुश्किल आ जाती है। और जिस तरह से मारपीट के बाद स्वाति फिर एक बार सुर्खियों में आई हैं, तो ऐसा अब ये लग रहा है कि ये प्रकरण अभी शांत होने वाला नहीं है, अभी और भी बढ़ेगा। और इस मामले में हो सकता है कि इसकी जांच की आंच जो है कहीं अरविंद केजरीवाल और उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल तक ना पहुंचे।